मंगलवार शाम जम्मू और कश्मीर के डोडा जिले के अस्सर इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। विशिष्ट खुफिया इनपुट्स के आधार पर भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस द्वारा पटनी टॉप के पास अकार जंगल में संयुक्त अभियान शुरू किया गया। व्हाइट नाइट कॉर्प्स ने एक्स पर पोस्ट किया, आतंकवादियों से संपर्क स्थापित हो चुका है और ऑपरेशन जारी है, यह भी पोस्ट में कहा गया। जम्मू और कश्मीर पुलिस ने सोमवार को जारी आतंकवाद विरोधी अभियान में एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए कठुआ के रहने वाले ओवरग्राउंड वर्कर्स OGW नेटवर्क के सरगना और उसके 8 अन्य साथियों को गिरफ्तार किया है, जो आतंकवादियों को लॉजिस्टिक समर्थन प्रदान कर रहे थे और उन्हें डोडा, उधमपुर, कठुआ जिलों के ऊपरी इलाकों में पहुंचाकर आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दे रहे थे। पुलिस प्रवक्ता ने कहा कि मानव खुफिया जानकारी केंद्रीय खुफिया एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई सूचनाओं और गंदोह डोडा में सफल ऑपरेशन, जहां 3 विदेशी आतंकवादी मारे गए थे, के सहयोग से सुरक्षा बलों ने एक ऐसे मॉड्यूल का पर्दाफाश किया जिसमें हाल ही में गुस्से आतंकवादी स्थानीय हैंडलर्स की मदद से सक्रिय पाए गए और उधमपुर, डोडा और कठुआ के ऊपरी क्षेत्रों तक पहुँच गए थे। रविवार को भी उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के एक समूह के बीच ताजा संपर्क स्थापित हुआ था। इससे पहले 6 अगस्त को उसी क्षेत्र में संपर्क स्थापित हुआ था, जिसके बाद उधमपुर जिले के बसंतगढ़ के जंगल क्षेत्र में एक व्यापक तलाशी अभियान चल रहा था। रविवार की सुबह किश्तवाड़ जिले में भी सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच गोलीबारी का संक्षिप्त आदान प्रदान हुआ। हालांकि जम्मू और कश्मीर पुलिस ने शनिवार को भी कठुआ जिले के कुछ हिस्सों में हाल ही में देखे गए आतंकवादियों के स्केच जारी किए। पुलिस ने 4 आतंकवादियों के स्केच जारी किए, जिन्हें आखिरी बार मल्हार